Students, in text question number 9, question a convert this 2-methylaniline into 3-nitrotoluene or dusra aniline into 1,3,5 tribromobenzene. तो सबसे पहले दोस्तों 2-methylaniline का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए. तो 2-methylaniline मतलब क्या? Aniline मतलब बेंजीन के ऊपर NH2 और 3-methylaniline है. तो यहाँ पे मैं डालूंगा क्या? CH3. इसको बोलेंगे 3-methylaniline. और बनाने का बोला क्या? 3-nitrotoluene. क्या यहाँ पे NO2 और यहाँ पे बोला क्या? CH3, जिसका नाम होगा क्या? 3-nitrotoluene. मतलब NH2 की जगह पे मुझको NO2 ग्रुप लाने का है. तो सबसे पहले NH2 को एलिमिनेट करने के लिए मेरे पास डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन का ऑप्शन है. तो यहाँ करूंगा डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन. दिस रिएक्शन होगा NaNO2 प्लस मैं लूंगा HBF4 और ये रिएक्शन होगा एट 273 टू 278 केल्विन टेम्परेचर. Always low temperature is maintained because it is unstable at high temperature. इसलिए reaction always low temperature पे ही होगा. तो यहाँ पे अपने को मिलेगा कौन सा product? तो third position के ऊपर CH3 ऐसे ही रहेगा और ऊपर हो जाएगा क्या? N2HBF4. इसका नाम क्या होगा? तो 3-methylbenzene, 3-methylbenzene diazonium fluoroborate. क्या नाम? 3-methylbenzene diazonium fluoroborate. और ये 3-methylbenzene diazonium fluoroborate का मैं रिएक्शन करूंगा NaNO2 in the presence of Cu, applied the heat. What happens? तो ये मैंने चला जाएगा किसके साथ दोस्तों? Okay. बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट मतलब ये आपका प्लस और ये माइनस होगा, आपका एच नहीं आएगा दोस्तों, बराबर. तो यहाँ से ये एन चला जाएगा BF4 के साथ, हो जाएगा माइनस एन BF4. ये चला गया आपका क्या दोस्तों? N2. और ये जो NO2 बाकी रहा वो यहाँ ऊपर आ जाएगा, मिलेगा क्या? 3-nitrotoluene. क्या? तो यहाँ ये NO2 ग्रुप यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, जिसको बोलेंगे हम क्या? 3-nitrotoluene. इज दैट क्लियर? तो क्या किया सबसे पहले? डायजेशन NaNO2 प्लस HBF4 के साथ 273 टू 278 केल्विन. NH2 का मतलब होगा N2BF4, बराबर. अब इसका मैंने क्या किया? NaNO2 अपने Cu के साथ हीट किया, तो ये NaBF4 के साथ जाके माइनस हुआ NaBF4, ये N2 चला गया और ये NO2 ग्रुप है वो फर्स्ट पोजीशन पे आ गया. वी कैन गेट 3-nitrotoluene. ओके फ्रेंड्स, अब आपको बोला गया एनिलिन. एनिलिन मतलब बेंजीन के ऊपर क्या दोस्तों? NH2. और इसमें से बोला गया आपके पास कौन सा वर्ड? तो 1,3,5 ट्राइब्रोमो बेंजीन. क्या बोला गया? 1,3,5 ट्राइब्रोमोबेंजीन. कैसे बनेगा ये? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एनिलिन का रिएक्शन करेंगे. कौन सा? तो रिएक्शन का नाम होगा ब्रोमिनेशन. लेकिन ये ब्रोमिनेशन में करूंगा एक्वायस मीडियम के अंदर 3-bromine लूंगा. तो यहाँ से सेकंड, फोर्थ और सिक्स पोजीशन के ऊपर से हाइड्रोजन जाएगा, माइनस 3HBr. एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से, माइनस क्या हो गया? 3HBr. और 3-bromine इंट्रोड्यूस हो जाएंगे. वी कैन गेट व्हाट? तो यहाँ NH2 और यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे ब्रोमीन और सिक्स पोजीशन के ऊपर ब्रोमीन. इसका नाम 2,4,6 ट्राइब्रोमोएनिलीन. नाम क्या होगा? 2,4,6 तीन बार मतलब ट्राइब्रोमोएनिलीन. ओके, अब इसका मैं कन्वर्जन कर दूंगा NH2 का. NH2 निकाल देने का है,
तो NH2 निकालने के लिए कंपलसरी उसको डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यह रिएक्शन होगा डाई एजोटाइजेशन, और ये डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन होगा Na2+2HCl at 273 to 278 Kelvin। दोस्तों यहां मैंने HBF4 के साथ किया था क्योंकि मैं BF4 लाना चाहता था, और यहां पे NH2 को निकालने का है इसलिए करूंगा किसके साथ रिएक्शन 2HCl के साथ। तो यहां मिलेगा क्या मुझको, तो बेंजीन के ऊपर N2Cl सेकंड फोर्थ और सिक्स्थ पोजीशन के ऊपर होगा आपका ब्रोमीन, इसको बोलेंगे 2,4,6 ट्राइब्रोमो BDC। BDC का मतलब क्या, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट 2,4,6 ट्राइब्रोमो BDC। BDC का मतलब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट, और उसका फिर मुझको N2Cl निकालने का है, तो रिएक्शन करूंगा किसके साथ, H3PO2 / CU, रिएक्शन का नाम होगा रिडक्शन। तो क्या होगा, यहां लेना पड़ेगा H2O, एक HCl के साथ जाके माइनस करेगा HCl, दो NH मिलके माइनस हो जाएगा N2, ये ऑक्सीजन इधर जॉइंट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, H3PO2 की जगह पे हो जाएगा H3PO3, और एक हाइड्रोजन यहां बैठ जाएगा, वी कैन गेट व्हाट 1,3,5 ट्राइब्रोमो बेंजीन। ओके, तो इस तरह से दोस्तों आपको एक कन्वर्जन लिखने का है। थैंक यू वेरी मच।